आरक्षण कोई भीख नहीं है कि कोई समाप्त कर देगा जी, कोई पैदा ही नहीं लिया इस धरती पे। आरक्षण कोई भीख नहीं, एससी एसटी को किसी से बैर नहीं। अगर आरक्षण खत्म हुआ तो नीतीश मोदी को खैर नहीं। 2 अप्रैल की तरह 21 तारीख को भारत में समा जला देंगे, 25 में नीतीश मोदी को विदाई करा देंगे। यही नहीं, उसके पहले अगर हमारे दलित के नेता नहीं संभले 131 को सांसद, तो उनको काला मुंह और जूता का माला पहना देंगे। ये लड़ाई सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं है, तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके हक और अधिकार पर हमला है। अगर मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना दूंगा और लेकर चला हूँ कारमा, 21 तारीख को भारत बंद करके दिखा दूंगा। आज जो कोटा में कोटा किया जा रहा है, ये कोटा में कोटा नहीं है, ये जो हमको ऐसा लग रहा है षड्यंत्र, कुछ वर्षों पहले जो है एसटी में जो आरक्षण का संशोधन किया गया था, जो मूल एसटी है, मूल आदिवासी है, उनको बर्बाद तबाह करने का काम किया गया है। लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आरक्षण का? हाँ, आरक्षण लड़ेगा, कोई माइकल पैदल लिया जो खत्म कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अब आरक्षण के अंदर आरक्षण, यानी कोटा के अंदर कोटा, जो एससी एसटी समाज के लोग हैं उनको आरक्षण की अब कटौती होगी, और जो लायक रहेंगे आरक्षण को दलित समाज में और आदिवासी समाज में, उसको आरक्षण को लाभ मिलेगा, और जो नहीं लायक रहेंगे आरक्षण लेने के समर्थ नहीं रहेंगे, और जो संपन्न दलित हैं उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा फरमान आया है सुप्रीम कोर्ट का। हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हैं दलित समाज के, हम बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये आरक्षण जो लाया गया है एक साजिश के तहत लाया गया है, और आरक्षण कोटा में कोटा जो लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन किस आरक्षण का? जैसे महिला आरक्षण दिया गया तो उसमें कोटा में कोटा लाए? अगर मान लें कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, हाई कोर्ट में कितने जज हैं, कितने सेक्रेटरी हैं, पूरे लोकसभा में विधानसभा में कितने सेक्रेटरी हैं, उसमें लाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक सरकार की बात है कि कोटा में कोटा आरक्षण के लाने का, तो सबसे पहले मैं एक मांग करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री से कि अगर चाहते हैं कि गरीब आदमी आगे बढ़े तो सबसे पॉलिटिकल आरक्षण है उसमें लाए, कि जो 2 बार सांसद रह चुका है, 2 बार विधायक रह चुका है, 2 बार मुखिया जिला पर से या प्रत्याशी रह चुका है, उसको तीसरी बार आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और आरक्षण अगर समीक्षा करना है तो आप मंदिर में समीक्षा कीजिए, कितने परसेंट किस जाति के लोग हैं, सिक्रेटरी में समीक्षा कीजिए कितने परसेंट किस जाति के लोग हैं, दलित भी पंडित रहेगा। हाँ, मतलब हम भी है, हम निजम प्रवेति गन्ना लघु चे साम उदार चरिता नाम तू बस दैव कुटुम कम हृदय स्था मनासन मकामन तम तपस्वी नम दयालु मन घर प्रीतम पुराण मजरम विधु। मैं संस्कृत जानता हूँ, हम भी पूजा करा सकता हूँ, हमको बैठा दे पूजा करने के लिए, क्या दलित लोग नहीं पढ़ा लिखा है क्या? तो मैं ये एक साजिश के तहत पूरे दलित की आरक्षण को समाप्त करने की चली जा रही है। अब आरक्षण कोई भीख नहीं है कि कोई समाप्त कर देगा जी, कोई पैदा ही नहीं लिया इस धरती पे। बाबा साहब बाबा नाम है, बाबा के नीचे कोई होता ही नहीं, न बापू भी नहीं है, न बेटा है, न पोता, कोई नहीं है, इसलिए बाबा ने लिख के गया है। और कोई आज़ादी के 68 साल हो गया, कोई समाप्त नहीं कर सकता है। एक बात खास करके मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं, एससी एसटी को किसी से बैर नहीं। अगर आरक्षण खत्म हुआ तो नीतीश मोदी को खैर नहीं, अगर आरक्षण खत्म हुआ तो नीतीश मोदी को खैर नहीं। 2 अप्रैल की तरह 21 तारीख को भारत में समा जला देंगे, 2 अप्रैल की तरह 21 तारीख को भारत में समा जला देंगे, 25 में नीतीश मोदी को घर विदाई करा देंगे। यही नहीं, उसके पहले अगर हमारे दलित के नेता नहीं संभले 131 को सांसद, तो उनको काला मुंह और जूता का माला पहना देंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि यही सबसे बड़े हमारा तो पहनाएंगे दलित समाज के लोग। ये हमारे दलित के जो 131 को जीते हैं, बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, जो उनके आरक्षण खत्म किया जा रहा है, और संसद में गुंगा बहरा अंधरा बनक बैठे हुए हैं अपने पद के लोभ में, और कुछ दलित के साथ कुछ भी होता है तो वो करते नहीं है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ 21 तारीख को भारत विकास, 21 तारीख को ही ना मांग करता हूँ पूरे दलित समाज से, एससी एसटी से, कि पूरे भारत के जो है इतना बंद कर देना है कि 2 अप्रैल का भी मतलब रिकॉर्ड तोड़ देना है। चलिए, अब इसके लिए खैर एक बात कर रहा हूँ, अगर मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना दूंगा और लेकर चला हूँ कारमा, 21 तारीख को भारत बंद करके दिखा दूंगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राजेश पासवान नाम हुआ।
कैसे देख रहे हैं अब तो कोटा के अंदर कोटा कर दिया गया है दलित आरक्षण में? देखिए ये कोटा के अंदर कोटा नहीं किया गया है, ये जो है दलित समाजों को बांटने का काम किया जा रहा है। हाँ। और ये एक षड्यंत्र है। हाँ। आप लोग जानते हैं। हाँ। कि देश में जो पालिका है तीन पालिका है, नियम कहता है कि जब तक विधायिका जो है नियम बनाएंगे नहीं। हाँ। तो न्यायपालिका निर्माण करेंगे नहीं। हाँ। ये तो खुले आम जो है संविधान का जो है शोषण हो रहा है देश में। शोषण हो रहा है, एकदम शोषण हो रहा है, खुले शोषण हो रहा है। इसलिए सर नियम जज है, आदेश देंगे ही। देखिए जज साहब का काम है आदेश देना। हाँ। लेकिन जो विधायिका द्वारा नियम बनाया जाएगा वो निर्माण करेंगे। लेकिन ये तो न्यायपालिका ही विधायिका का काम कर रहे हैं। ये तो हमको लगता है इंडिया में संविधान नाम का कोई चीज नहीं है, ये तो पूरा साजिश है। और आज जो कोटा में कोटा किया जा रहा है, ये कोटा में कोटा नहीं है, ये जो हमको जैसा लग रहा है षड्यंत्र कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि कुछ वर्षों पहले जो है एसटी में जो आरक्षण का संशोधन किया गया था, जो मूल एसटी है, मूल आदिवासी है, उनको बर्बाद तबाह करने का काम किया गया है। हाँ। बिहार में लागू किया गया था, जैसे कि आप कुछ वर्ष पहले अंबिका मंडल जी थे पीरपैती का विधायक, उन्होंने जो है एसटी के लिए एसटी में जो है कोटा में खरवार को जोड़ा गया, जो कि वो जो है आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से मजबूत थे और उनका रोटी खाने का काम किया गया। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो जो है ना 21 तारीख को जो है खुले आम जो है भारत बंद करेंगे। भारत बंद करेंगे, पूरा भारत बंद करेंगे, एकदम सड़क पे एकदम उतरेंगे हम लोग जो है, सारे युवा, सारे दलित, सारे आदिवासी सब उतरेंगे। और ये हम जो किया गया है, कुछ लोग उसके समर्थन में उसको बताना चाहते हैं कि भाई सुधरो तुम। हाँ। क्योंकि तुम जो तुम्हारा जो ये किया गया है, ये साजिश ये है कि आज आरक्षण जो है क्या गया है कि क्रीम लेयर इसलिए किया गया है कि वो जान रहे हैं। हाँ। वो जान रहे हैं पार्टी वाले कि ये छोटा वर्ग जो है उसको जो है अपंग बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये सामर्थ्यवंत नहीं है। हाँ। ये तो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। हाँ। क्यों, आप लोग जानते हैं कि जो पढ़ेगा वही बोलेगा। हाँ। जो पढ़ेगा वो आईएएस बनेगा। आपस में तोड़ना चाहते जी है। इतने नहीं सर, वो जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, उनका जो रिक्तियां है वो रिक्त हो जाएगी, वो जो कोटा जो बचेगा वो समान वर्ग में समाहित हो जाएगी। ये राजनीतिक है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान है। कैसे देख रहे हैं जो कोटा के अंदर कोटा के अंदर जो कोटा का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आदिवासी समाज और दलित समाज को लेकर, कैसे देख रहे हैं इसको? माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय संवैधानिक जज जो 342 का जो दे रहे हैं हवाला, वो उनको उससे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह संवैधानिक बात है। 342 का वो जो ये हवाला दे रहे हैं उसको छूने का भी अधिकार उनको नहीं है। और रही बात कि कोटा में कोटा, तो कोटा में कोटा करने का अधिकार तो शायद हमको नहीं लगता है कि जो लोग भी 7 सदस्यीय जज लोग बैठे हुए थे वो लोग ढंग से शायद उस जजमेंट को चाहे उस आर्टिकल को उन्होंने पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो संविधान का जो आर्टिकल 16 है उसको भी उन लोगों को पढ़ना चाहिए था। हमको नहीं पढ़ा है वो लोग। अब चूंकि उनको अगर कोटा में कोटा स्थापित करना है तो जो असंवैधानिक कोटा रिजर्वेशन EWS बना जो सवर्णों का है उस पे कोटा में कोटा करना चाहिए था ना उनको, तो उसमें तो किए नहीं, इसीलिए कि उनका अपना कोटा है। उनको कोटा में कोटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में करना चाहिए था कि उनका बेटा जज बन रहा, उनका पोता जज बन रहा, उनकी बेटी जज बन रही है, उनकी पत्नी जज बन रही है, तो पहले अपना कोटा तय करो दोस्त। और रही बात अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटा तय करने की, ये संवैधानिक बेंच और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं अधिकार है। नहीं अधिकार है। ये लोकसभा का मामला है, ये विशुद्ध रूप से भारतीय संसद जो तय करेगी उसका मामला है। अब आप लोग क्या करेंगे? मैं तो रिव्यू पिटीशन इस सप्ताह में जा रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करूंगा। फाइल करेंगे आप? हाँ। आप एडवोकेट हैं? हाँ, मैं पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। मैं कल निकलूंगा सुप्रीम कोर्ट। मैं इसी सप्ताह नहीं तो मंडे को वहाँ रिव्यू पिटीशन फाइल होगा। हाँ। चलिए तो 21 तारीख को भारत बंद, इसका लड़ाई नहीं, तो 21 तारीख को भारत तो बंद है, उसके पहले हम लोग 8 अगस्त को यहाँ पे
पूरा यहाँ से 4 नंबर गेट से बाबा साहब के स्टैचू के पास तक एक अधिवक्ताओं का मार्च, आक्रोश मार्च होगा। चलिए, कैसे देख रहे हैं, किस तारीख को भारत बंद है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ सर। 21 तारीख को जो भारत बंद है उसमें मेरा पूरी तरह से अपने टीम के साथ समर्थन होगा। तो ये कोटा के अंदर कोटा किया गया है, ये जो कोटा किया गया है, अभी सर बता रहे थे कि 131 जो है ये लोग है, ये उनका कहना है कि जो रिजर्वेशन है, जितना परसेंट रिजर्वेशन है उसको तो दिया ही जा रहा है, और जो आपके नीचे के मतलब ये जो भी गरीब है, आपसे जो गरीब है क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर बना करके उनको लाभ दिया जाएगा। अरे भाई, जब लाभ दिया जाएगा तो फिर आप एसी सीट से क्यों चुनाव लड़ते हो, उसको छोड़ के अपने जो नीचे तबके के लोग हैं उसको चुनाव लड़ाओ ना वहाँ से, है ना सर? बताओ, देख नहीं रहे हैं। देखिए जी, बोलिए। रही बात 21 तारीख के बंद का, 2 अप्रैल 2018 को यही सुप्रीम कोर्ट के नौटंकी के कारण संपूर्ण भारत में 2 अप्रैल 2018 को बंद हुआ था। संपूर्ण भारत को बंद किया था अनुसूचित जाति और जनजाति और बहुजन समाज के लोगों ने। ये लड़ाई सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं है, तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके हक और अधिकार पर हमला है। और इसलिए जो तमाम समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि फलाना को रिजर्वेशन मिल गया, चिलाना को रिजर्वेशन मिल गया, तो रिजर्वेशन कितना तय हुआ था और आज आज़ादी के क्या बरस हुआ, ये बेईमान आदमी के हाथ में मेरा रिजर्वेशन पालन करने के लिए दे दिया गया, जिसके कारण आज रिजर्वेशन का कोटा फुल नहीं हुआ। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मनुवादी लोग बैठकर और हमारे गर्दन पर वही चाहते हैं कि मेरे सामने अनुसूचित जाति और जनजाति और बहुजन समाज का लोग इतना बढ़िया कपड़ा पहन के क्यों आता है, बढ़िया गाड़ी पर क्यों चढ़ता है, ये जलन है इनमें और ये मनुवादी के कारण ऐसा हो रहा है। 2 सेकंड ज्यादा नहीं। मैं खाली 1 मिनट एक बात मांग करता हूँ कि मैं आरक्षण का भूखा नहीं हूँ, आरक्षण को भी पेट भरने का साधन नहीं बाबा साहब ने दिया था, रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया था कि हमारा प्रतिनिधित्व हो, हमारा समाज पहले पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अब पढ़ा लिखा भी हो गया, लेकिन मैं यही मांग करता हूँ कि आरक्षण खत्म कर दो पूरी 100%, लेकिन हमको एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य, एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दो। जब सवर्ण के बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है दलित का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा, डीएम आईएएस आईपीएस का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी में गरीब का बेटा भी पढ़ेगा, जहां हॉस्पिटल में वो इलाज कराएगा वहां मेरा बेटा इलाज कराएगा, हमको कोई मांग नहीं है। सब लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आरक्षण का? हाँ, आरक्षण लड़ेगा, कोई माइक पैदल लिया जो खत्म कर देगा। चलिए, तो देखिए, तो लोग तैयार हैं 21 तारीख को भारत बंद होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और लोग कह रहे हैं कि 2 अप्रैल जैसा फिर से वो दृश्य देखना पड़ेगा। बहरहाल, हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।